बारातें तो आपने बहुत देखी होंगी, पर आज हम जिस बारात के बारे में आपको बताने वाले हैं, वो अपने आप में ही एक अनोखी बारात है। जी हाँ, एक ऐसी बारात जिसकी चर्चा पूरे जोर शोर से यमुनानगर में हो रही है। इस बारात का दूल्हा घोड़ी की बजाय किसानों का समर्थन करते हुए ट्रैक्टर से दुल्हन को लेने के लिए पहुंचा। दरअसल जब दूल्हे ने किसानों के आंदोलन को देखा तो उसने घोड़ी की जगह ट्रैक्टर पर सवार होकर बारात लेकर गांव हरिपुर जट्टान में पहुंचा। रजत का कहना है कि शादी के बाद वह दुल्हन को लेकर किसानों के धरना स्थल पर जाएगा। किसानों के बीच पहुंचकर वह इस आंदोलन का हिस्सा बन सके और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत इस आंदोलन में भाग लेकर कर सके। मुझे गर्व है कि मैं किसान परिवार में पैदा हुआ हूं और मैं किसान का बेटा हूं, और जो आजकल माहौल चल रहा है, किसानों ने जो आंदोलन किया हुआ है, मैं उसके समर्थन में अपनी बारात ट्रैक्टर पर लेकर गया था ताकि कि किसानों को समर्थन मिल सके और सरकार तक ये आवाज़ पहुंच सके। इसलिए मैं अपनी बारात ट्रैक्टर पर लेकर गया। मैं सरकार से अपील करता हूं कि जो उन्होंने 3 काले कानून ये किए हैं, ये वापस लिए जाएं। और ये मेरा सबसे बड़ा मेन मकसद था कि मैं ट्रैक्टर पर बारात लेकर के गया कि सरकार तक ये बात पहुँचे और किसानों को समर्थन मिले। दूल्हे रजत की माने तो वे एक किसान का बेटा है, और किसान का बेटा होने के नाते उसने ये सब किया है, और अब उसकी पत्नी भी उसके हाँ के साथ हाँ मिलाते हुए अपने पति का साथ दे रही है और अपने ऊपर गर्व करते हुए कह रही है कि वह किसान की बेटी है और उसका पति जो कुछ भी कर रहा है वह काम उसके लिए भी सराहनीय है। और वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करती है कि प्रधानमंत्री इन 3 काले कानूनों को जल्द वापस लें। मोदी जी से अपील करती हूं कि इन 3 काले कानूनों को वापस लिया जाए। मुझे गर्व है कि मैं किसान पुत्री हूं, और मुझे इस बात का भी गर्व है कि मेरी शादी एक किसान परिवार में हुई है। मैं अपनी शादी के बाद किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए खुद जाऊंगी। आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन को 25 दिन बीत गए हैं और अब कई ऐसे लोग भी इस आंदोलन में जुड़ना शुरू हो गए हैं जो अपने आप में अनोखे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब के सिटी टीवी, चंडीगढ़।